नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह। अपनी कंप्यूटर पाठशाला चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, टैली सीरीज का ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पिछले जो 7 लेक्चर्स हुए हैं उसको देखें, फिर इसको देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ कंपनी। हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है सेलेक्ट एंड एडिट डिटेल्स ऑफ ओल्ड कंपनी। किसी भी पुरानी कंपनी के डिटेल्स में चेंजेज करना, बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ कंपनी, किसी भी कंपनी का बैकअप लेना और उस बैकअप से वापस टैली में कंपनी को रिस्टोर करना। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा बैकअप के बारे में मैं समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, बैकअप का मतलब होता है कि आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी आपकी अलग कहीं पे स्टोर हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास डेटा का बैकअप सेफ है। ताकि मेन कॉपी अगर आपसे डिलीट हो तो उसकी जो कॉपी आपने बना के रखी हुई है वहाँ से आप उसे दोबारा रीयूज कर सकें। तो दोस्तों, टैली में हम लोग क्या करते हैं, जो कंपनियाँ होती हैं हमारी, जो इम्पोर्टेंट कंपनियाँ होती हैं, उसका हम लोग सेफ्टी से एक दूसरी कॉपी बना लेते हैं अलग लोकेशन पे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब बाय द वे कभी कंपनी मिस्टेक वाइज डिलीट हो जाती है या कोई हमारे सिस्टम से छेड़खानी करता है, हमारे कंपनी को डिलीट कर देता है, तो हम उस बैकअप लिए हुए फाइल से, उस बैकअप लिए हुए कंपनी के डेटा से वापस हम कंपनी को टैली में रिस्टोर कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो कंपनी है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना बैकअप कहलाता है, और उस कॉपी से वापस टैली में लेना उस कंपनी को रिस्टोर कहलाता है। अगला टॉपिक है शट कंपनी, कंपनी को क्लोज कैसे करेंगे। स्प्लिट कंपनी डेटा, कंपनी के डेटा को दो अलग अलग फाइनेंशियल पीरियड में कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड टैली वॉलेट पासवर्ड। दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम अपने कंपनी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी परमिशन के बगैर दूसरा कोई हमारी कंपनी को ओपन ना कर सके। तो दोस्तों, ये टॉपिक्स हैं आज के, इसमें हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, कंपनी में कोई भी अल्ट्रेशन करना है, कंपनी का कोई भी डिटेल अगर हमें चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम F1 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, जो कि सेलेक्ट कंपनी की शॉर्टकट की है। और यहाँ से हम कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हीरो एंड कॉम नाम की कंपनी हमने सेलेक्ट कर ली। दोस्तों, ये देखिए कंपनी हमारी सेलेक्ट होके यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे, जो कि हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू में पहुँचा देगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अल्टर ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये ऑप्शन है हमारा अल्टर, इस पर क्लिक करेंगे, वापस हम कंपनी अपनी चूज करके उस पर एंटर कर देंगे। और दोस्तों, ये हमारा जो फर्स्ट कंपनी क्रिएशन के टाइम पे फॉर्म खुला था वो फॉर्म खुल गया। अब इसमें दोस्तों हमें कुछ भी चेंज करना है, जैसे सपोज हमें कंपनी का नेम ही चेंज करना है, तो हम यहाँ पे हीरो एंड कॉम या हीरो एंड सन्स को कंपनी का नेम हमने कर दिया, एंटर करेंगे। सपोज यहाँ पे हमें स्टेट चेंज करना है, स्टेट दिल्ली से हम UP कर देंगे, उत्तर प्रदेश। और इसमें जो भी डिटेल्स हमें चेंज करने हैं वो चेंज करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे, उसके बाद हम इसको जाके फाइनली यहाँ पे एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। दोस्तों, देन स्केप करके हम वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। ये देखिए कंपनी का नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है। दोस्तों, ये हमारा कंपनी का ऑल्ट्रेशन हो गया। अब दोस्तों, हम लोग देखेंगे शट कंपनी, कंपनी को अगर हमें क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आइए टैली पे, फिर से हमें ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करके कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू में जाना होगा। और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, दूसरा ऑप्शन है शट कंपनी। शट कंपनी में जाके हमें एंटर करेंगे। जो भी कंपनियाँ ओपन होंगी दोस्तों यहाँ पे, वो हमें दिखेंगी। अब इसमें से जिसको इसको हमें क्लोज करना है, हम उसको एंटर करेंगे, कंपनी क्लोज हो गई। देखिए यहाँ से
कंपनी गायब हो गई, दूसरा इसको भी बंद करना है, टेस्ट को भी एंटर कर देंगे दोस्तों, ये हमारी कंपनी क्लोज हो गई। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में कोई भी कंपनी ओपन नहीं है। अब हमें अगर कंपनी कोई ओपन करनी है तो अगेन हम सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे और यहाँ से अगेन हम राम एंड सन्स को ओपन कर लेते हैं, राम एंड सन्स एंड को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। अब दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ कंपनी, कंपनी का बैकअप लेना और इसका वापस रिस्टोर करना। दोस्तों पहले मैं बता दूं आप लोगों को, बैकअप हमें लेनी पड़ती है कंपनी को सेफ एक कॉपी कंपनी की बनाने के लिए, और बैकअप हमें तब लेनी पड़ती है जब कंपनी के डिलीट होने के चांसेस हो या डिलीट होने का डर हो या हमें लगे कि कंपनी कोई दूसरा पर्सन डिलीट ना कर दे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का एक सेपरेट बैकअप ले लेते हैं, तभी हमारी कंपनी सेफ मानी जाती है, सिक्योर मानी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। दोस्तों कंपनी को डिलीट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि यहाँ पे आप F1 प्रेस करिए, कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए जो कंपनी डिलीट करनी है। यहाँ पे जैसे payroll3.com नाम की कंपनी हमें डिलीट करनी है, इस पर एंटर करिए, ये कंपनी सेलेक्ट हो गई। अगेन हम ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे, कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू में चले जाएंगे यहाँ पे, और हम ऑल्टर ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों। ऑल्टर पे एंटर करेंगे और यहाँ से payroll3.com को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑल्ट प्लस D, दोस्तों कंपनी को डिलीट करने के लिए ऑल्ट प्लस D शॉर्टकट की होती है। जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारा ये एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, डिलीट यस और नो। यहाँ पे अगेन हम एंटर कर देंगे, कंपनी हमारी फिर से हमसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, अगेन एंटर कर देंगे, कंपनी हमारी डिलीट हो जाएगी। दोस्तों अगर हम यहाँ पे नो कर देंगे तो कंपनी हमारी डिलीट नहीं होगी। दोस्तों ये था हमारा पहला तरीका, कंपनी डिलीट करने के दो तरीके हैं। ये हमारा था 1x1 कंपनी को डिलीट करना। दोस्तों अगर हमें एक साथ सारी कंपनी को डिलीट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, F1 प्रेस करेंगे, और F1 प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर ध्यान दीजिए पाथ लिखा हुआ है। पाथ यानी कंपनी का लोकेशन, ये जो कंपनियाँ हमारी बनी हुई हैं इनका लोकेशन क्या है। इनका लोकेशन है C:\tally.erp9 नाम का फोल्डर /data नाम का फोल्डर है दोस्तों। यहाँ पे हमारी कंपनियों का पूरा डेटा स्टोर है, ये जो कंपनियाँ खुली हुई हैं, ये जो कंपनियाँ दिखाई दे रही हैं, इन कंपनियों का पूरा डेटा डेटा नाम के फोल्डर में इस लोकेशन पे जाके स्टोर है। तो दोस्तों इस लोकेशन पे जाके हम लोग देखते हैं, आइए टैली को यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। माई कंप्यूटर ओपन किया, सी ड्राइव पे गए, Tally ERP9 दोस्तों, इसके बाद डेटा, ये देखिए यहाँ पे ये सारी कंपनियाँ हमारी ओपन है, ये जो कंपनियाँ हैं हमारी, ये सारी कंपनियों का डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर है। तो दोस्तों ये जो खुला हुआ है ये सारी हमारी कंपनियाँ हैं, ये हमारा कंपनी का मेन डेटा है जिसके थ्रू हम लोग वर्किंग करते हैं। दोस्तों यहाँ से अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो हमारी सारी कंपनी डिलीट हो जाएगी और वापस कभी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कंपनी का सेपरेट एक बैकअप बना लेना होता है। तो कंपनी का बैकअप कैसे क्रिएट करेंगे, आइए वापस टैली ओपन करते हैं। दोस्तों कंपनी का बैकअप बनाने के लिए हमें ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करके कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगेन जाना होगा और यहाँ पे हम जाएंगे बैकअप ऑप्शन पे, ये है हमारा बैकअप, यहाँ पे एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए सोर्स फोल्डर यानी सोर्स लोकेशन यहाँ पे शो कर रहा है कि कंपनियाँ कहाँ से उठाई जाएँ, C:\tally.erp9/data जो हमारा कंपनी का मेन सॉफ्टवेयर है, जो स्टोर है टैली का, वहाँ पे हमारा डेटा नाम का फोल्डर है, इसमें सारी कंपनी बनी हुई है, यहाँ से उठाया जाए और डेस्टिनेशन कहाँ पे इसको डाला जाए। तो दोस्तों डेस्टिनेशन हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिखा D,
कोलन स्लैश और यहाँ पे हमने दे दिया टैली बैकअप। टैली बैकअप नाम का फोल्डर ले लेते हैं, या सपोज हमने यहाँ पे विष्णु टी बैक नाम का फोल्डर ले लिया और एंटर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी नेम यहाँ देंगे उस नेम का ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट हो जाता है। एंटर करेंगे, इधर देखिए राइट साइड में हमारी कंपनीज़ की डिटेल्स आ गई। कंपनीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते चले जाएंगे, जो कंपनी जिस जिस कंपनी का बैकअप हमें चाहिए कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। और सपोज़ हमें सारी कंपनी का बैकअप नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इन कंपनियों का बैकअप चाहिए और यहाँ जो तीन कंपनी बची हुई हैं इनका बैकअप नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से दोस्तों एंड ऑफ लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। दोस्तों ये हमारी कंपनी का बैकअप बन गया। अब आइए हम लोग एक बार चेक करते हैं बैकअप कहाँ पे बना हुआ है। टैली को मैं क्लोज कर देता हूँ। डी ड्राइव पे गए, विष्णु टी बैकअप, ये देखिए, ये दोस्तों ये हमारी कंपनी का सभी कंपनियों का बैकअप बन चुका है जितने हमने सेलेक्ट किए थे। अब दोस्तों सपोज मान लीजिए कोई पर्सन आता है हमारी कंपनी को डिलीट कर देता है, जो मेन हमारा टैली का डेटा है, यहाँ पे गए टैली ERP9 डेटा में गए, ये हमारा यहाँ से सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके डिलीट कर दी। अब दोस्तों वापस हम अपने टैली में चलते हैं। ये ओपन हुआ आपका। अब जरा यहाँ पे F1 प्रेस करके कंपनी को सेलेक्ट करिए तो दोस्तों ये मैसेज मिलेगा आपको, नो कंपनीज ऑन डिस्क, यानी कि आपके जो ये लोकेशन है इस लोकेशन पे कोई कंपनी नहीं है, यानी कि सारी कंपनी आपकी डिलीट हो गई। तो दोस्तों अब वापस आप क्या करेंगे, कंपनी का जो आपने बैकअप बना रखा था उसको रिस्टोर कर लेंगे। रिस्टोर करने के लिए वापस हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे अगर ये शो कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं शो कर रहा है तो ऑल्ट प्लस F3 शॉर्टकट की प्रेस करके आप वापस यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों रिस्टोर पे जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेस्टिनेशन हमारा वही है जो टैली का मेन सॉफ्टवेयर वाला फोल्डर है। दोस्तों सोर्स हमारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है D:\ विष्णु टी बैक। अगर ये सेलेक्टेड नहीं है यहाँ पे तो हमें पूरा पाथ लिखना होगा यहाँ पे, जैसे हमने दिया था D:\ विष्णु टी बैक, ये हमें लिखना होगा। अब एंटर करेंगे तो जो भी हमारी इस लोकेशन पे कंपनियों का बैकअप बना हुआ था वो सारी कंपनियाँ यहाँ पे हमें शो करने लगेंगी। अब यहाँ से कंपनियों को सेलेक्ट करिए दोस्तों, नीचे से सारी कंपनीज को सेलेक्ट कर लेते हैं बारी बारी से। अब दोस्तों एंटर करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ से सेलेक्ट कंपनी में जाइए। अब देखिए दोस्तों हमारा ये वापस जितनी कंपनियों का बैकअप हमने बनाया था वो कंपनियाँ हमारी रिस्टोर होकर वापस टैली में आ चुकी हैं, और जिनका बैकअप हमने नहीं बनाया था वो कंपनियाँ हमारी डिलीट हो गई। दोस्तों स्किप करके बाहर आ जाएंगे, यहाँ से कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, जैसे हीरो एंड सन्स एंड को यही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा स्प्लिट कंपनी डेटा, यानी कि कंपनी के डेटा को अगर हमें तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे। तो डेटा को तोड़ने का मतलब ये है कि दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर के बारे में समझना। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है बजट सत्र होता है, जो कंपनी का बजट ईयर होता है। जैसे 1 अप्रैल से, जैसे यहाँ से आप ऑल्ट प्लस F3 करिए और दोस्तों यहाँ से ऑल्टर ले लेते हैं। जब भी हम दोस्तों कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम हमसे एक ऑप्शन पूछा जाता है, यानी कि आपकी कंपनी कौन से फाइनेंशियल ईयर में काम कर रही है। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर आपका हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक फिनिश होता है। ये हमारा पूरे साल भर का फाइनेंशियल ईयर होता है।
तो दोस्तों, अगर हम अपनी कंपनी के डेटा को फाइनेंशियल ईयर जो 12 महीने का होता है उसको 6-6 महीने के अलग अलग पार्ट में तोड़ना चाहते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्प्लिट कंपनी डेटा ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑल प्लस F3 करेंगे अगेन, और यहाँ पे जाइए, कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिए, स्प्लिट कंपनी डेटा का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आएगा, यहाँ से कंपनी हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए हीरो एंड कॉम को ये कंपनी सेलेक्टेड है, एंटर करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्प्लिट फ्रॉम, तो दोस्तों आप देखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक होता है, तो अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सितंबर दोस्तों छठा मंथ है, तो ये 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और हम एंटर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दो चीज़ें दिखा रहा है, फर्स्ट कंपनी जो है हमारी वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, और सेकंड कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो हमारा 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। दोस्तों अब यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी हमारी हाफ ईयरली दो फाइनेंशियल पीरियड में चेंज हो गई। एंटर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे F1 प्रेस करिए, सेलेक्ट कंपनी में चले जाइए, ये कंपनी में चले गया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हीरो एंड सन्स को फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से पहला हो गया हमारा, और दूसरा फ्रॉम 1 सितंबर 2017 से, ये कंपनी हमारी 6-6 महीने के दो अलग अलग फाइनेंशियल पीरियड में चेंज हो गई। दोस्तों ये हो गया आपका। अब दोस्तों अगला एंड लास्ट टॉपिक है टैली वॉलेट पासवर्ड, कंपनी में पासवर्ड लगाना। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी में पासवर्ड लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे सपोज कोई पर्सन हमारे सिस्टम पे बैठा, उन्होंने F1 शॉर्टकट की प्रेस की और उन्होंने देखा हमारी कंपनी का नाम, यहाँ से GST Demo 5 हमारी कंपनी का नाम है या BPL.com हमारी कंपनी का नाम है, उन्होंने एंटर किया। अब दोस्तों उन्होंने कंपनी सेलेक्ट कर ली, और सेलेक्ट करने के बाद वो हमारे डेटा में जाके कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से कंपनी में जो भी चेंजेस करना चाहें, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में या लेज़र में या इन्वेंट्री में जो भी चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं, या हमारे कंपनी के डेटा को करप्ट कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें कंपनी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो दोस्तों टैली में दो तरह का पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल प्लस F3 करके और हम क्रिएट कंपनी, एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम दे देते हैं डेमो पास कंपनी। दोस्तों एंटर करते जाएंगे डिटेल्स फिल करते हुए, ये डिटेल्स फिल करते हुए एंटर करते जाएंगे। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आता है हमारा टैली वॉलेट पासवर्ड। दोस्तों टैली के कंपनी को सिक्योर करने के लिए दो तरह का पासवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, एक होता है टैली वॉलेट पासवर्ड और एक होता है हमारा यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। तो दोस्तों टैली वॉलेट पासवर्ड और यूज सिक्योरिटी कंट्रोल दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग देखेंगे। पहले पहले हम लोग यूज सिक्योरिटी कंट्रोल लगाते हैं, इसको हम लोग यस करेंगे, और यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पूछा जाएगा, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे राम, और पासवर्ड हम दे देते हैं 123, अगेन 123 रिपीट कर दिया हमने, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे दोस्तों, ये हमारा सेव हो गया। अब देखिए तुरंत हमसे ओपन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का नेम पूछ रहा है राम, और पासवर्ड हमने दे दी 123, ये हमारी कंपनी ओपन हो गई दोस्तों। यहाँ पे देखिए डेमो पास डॉट को, ये कंपनी हमारी ओपन हो गई। अब जैसे सपोज हमने हमें टैली क्लोज करना है,
तो हम क्या करेंगे, ऑल प्लस, यहाँ से ऑल प्लस F3 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम शट कंपनी में जाएंगे और यहाँ से हम अपनी कंपनी चूज करेंगे और इस पर एंटर कर देंगे। दोस्तों हमारी कंपनी क्लोज हो गई। अब दोबारा हम टैली ओपन करते हैं और फिर से उसी कंपनी को ओपन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों F1 प्रेस करेंगे, सेलेक्ट कंपनी, और यहाँ से हम गए डेमो पास को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी कंपनी में यहाँ पे पासवर्ड पड़ा हुआ है, तो ओपन करते समय ही हमसे पासवर्ड पूछेगा, लेकिन कंपनी का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखिए पासवर्ड हमने डाला हुआ है लेकिन डेमो पास को कंपनी का नेम यहाँ पे शो कर रहा है। दोस्तों यही पासवर्ड अगर हम टैली वॉलेट पासवर्ड दिए होते, टैली वॉलेट पासवर्ड में जाके अगर हम डाले होते तो क्या होता, यहाँ पे कंपनी का नेम भी शो नहीं करता और ओपन करते समय हमसे पासवर्ड पूछता। तो जो टैली वॉलेट पासवर्ड होता है दोस्तों, ये डुअल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पहला तो यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट की लिस्ट में आपका नेम शो नहीं करेगा, कंपनी के नेम को कोड बना देगा, स्टार 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 करके शो करेगा, और दूसरा जब आप ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। पहले हम लोग इसको देखते हैं, एंटर। अब देखिए पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर का नेम हम अलग लिखते हैं, पासवर्ड हम सही डालते हैं, दोस्तों कंपनी नहीं खुली। फिर से हम सही लिखते हैं और पासवर्ड सही डालते हैं, कंपनी हमारी ओपन हो गई। अब हम इसमें वर्किंग कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए टैली वॉलेट पासवर्ड देखते हैं। अगेन ऑल प्लस F3 करके एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। टैली वॉलेट पास नाम की कंपनी हमने बना दी, ये डिटेल्स हम ले लेंगे। एंटर करते हुए हम दोस्तों चले जाएंगे यहाँ पे टैली वॉलेट पासवर्ड यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने 123 टैली वॉलेट पासवर्ड, 123 टैली वॉलेट पासवर्ड दे दी। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गई दोस्तों। अभी हमसे टैली वॉलेट पासवर्ड पूछ रहा है, जब हम एंटर करेंगे तब जाके ये खुलेगा। दोस्तों ये देखिए हमारी कंपनी ओपन हो गई, और इसको हम जरा टैली को क्लोज करके फिर से चेक करते हैं। टैली क्लोज हो गया हमारा, और फिर जब हम टैली को दोबारा ओपन करते हैं यहाँ से, दोस्तों यहाँ से F1 प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो बाकी नीचे सारी कंपनियों का नेम शो कर रहा है, लेकिन ऊपर ये जो कंपनी बनी हुई है इन सब में स्टार 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 शो कर रहा है, कंपनी का नेम शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम टैली वॉलेट पासवर्ड लगाते हैं तो ये हमारी कंपनी को दो तरह से सिक्योर करता है। पहली बात, हमारी कंपनी के डेटा को अगर कोई हैक करना चाहता है तो उसको कंपनी का नेम सर्च करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे सपोज मान लीजिए 10 कंपनी है और 10ों पे टैली वॉलेट पासवर्ड पड़ा हुआ है, तो सबका नेम ऐसे ही शो करेगा। तो सबसे पहले तो उसको नेम सर्च करने में प्रॉब्लम होगी। नेम सर्च करने के बाद जब वो एंटर करेगा तो फिर उससे पासवर्ड मांगा जाएगा। अब देन जब हम पासवर्ड करेक्ट एंटर करेंगे तब जाके हमारी कंपनी ओपन होगी, अदरवाइज कंपनी ओपन नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पे F1 प्रेस करके जरा जाते हैं फिर से। एक कन्फ्यूज़न है, जैसे सभी कंपनियों में यही कोड है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे हम लोग जो कंपनी का कोड दिया हुआ है 1003, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी कंपनी यही है। तो ये कोड हमें दोस्तों याद रखना होगा। जब भी हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो जो कोड जनरेट होगा ये, वो हमें याद करके रखना होगा। तो दोस्तों आज के जो भी टॉपिक्स थे हमारे, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू। हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए youtube.com में लिखें टैली बाय विष्णु सर, या अपनी कंप्यूटर पाठशाला जो कि चैनल का नाम है, ये डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारी मेल आईडी दी गई है, कोई भी
क्वेरी है आपकी, इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।